जिस पिता ने अपनी ही बेटी की जान ली। ससुरा जियाटे न्याजु मोटा साहिर हाजर इसुप हम तो माँ बेटे एक मेर छोटो सा चोरो और हम पर कोई ना बार भी एक मेर छोटो चोरो हुआ डर बात तर जारो 20 साल होगी मजदूरी करते करते बड़ा सर ये सन 98 में इसकी शादी हुई है लगभग 20 साल हो गए 20 साल से इसको मारता ही आ रहा पहले तो दहेज के लिए मारता था। भारत टीवी की इस खास पेशकश सो दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। भारत टीवी में बात होगी एक ऐसे परिवार के बारे में जिस पिता ने अपनी ही बेटी की जान ले ली। जान किस बात को लेकर ली है, क्यों उन्हें मारा गया, क्यों लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, ये तो मृतका के परिजन ही बता पाएंगे या फिर उनके परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामला क्या था। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मांडीखेड़ा में जहाँ पर शव को लाया गया है, उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पूरे गाँव के लोग और उनके यार रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस दुख की घड़ी में। इसके अलावा उनकी माँ से बातें करते हैं जिस माँ के ऊपर लगातार जो मृतिका है उस लड़की का जो पिता उसके ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा था। आखिरकार क्या है पूरा मामला, इस मामले को समझने के लिए सीधा चलते हैं मृतिका की माँ और मृतिका के मामा के पास। ससुरा जी आटे न्याजू मोटा साहिर हाजर इस ऊपर हम तो माँ बेटे एक मेर छोटो सा चोरो और हम पर कोई ना मार पिए एक मेर छोटो चोरो हुआ डर बात तर जला रो 20 साल हो गई मजूरी करते करते बड़ा बच्चा ने पारते ये लोग क्यों मारते थे आपको? न मारा मेरे पत्थर गिरवाया अपना बेटा की काम यार सो मैं डंडा रो नीम को अदरी वाहे ना को दंड दिया रो बुढ़ा तेरा दादा ही ना लाई है मैंने करी तेरा बड़े डर की बाप ने करी दियो बड़ी बहू ने तो मेरा भी मालू करी दू जांगा दो पैसों कमा के ना दियो ना दाड़ी ने ना सासू ससुरा ने तार लो भी नोई रे लाठी मंसूर ने मोटा ने आपने भी बुढ़ा ने भी सब ने हमें सजा कुत चूतकड़ी काई मारा चौतरा पे सब ने तमाशो दिया का बुढ़ा बुरी बुरी गाड़ी सुबह के हमने जाबू चुड़ावा रात मो लड़की की तो मो पतो ही ना है मेरी की लगते मेरी बहन है और जो मरी है वो भांजी मरने वाली भांजी है। अच्छा किस बात को लेकर क्या झगड़ा हुआ था कुछ पता है? सर ये सन 98 में इसकी शादी हुई है लगभग 20 साल हो गए 20 साल से इसको मारता ही आ रहा है पहले तो दहेज के लिए मारता था आपकी जीजा। हाँ तो उसके बाद में 20 साल में इसने एक रुपया कमा के नहीं दिया ये खुद ही अपनी मजदूरी करती है और अपने बच्चों को पालती है और वो मजदूरी भी करने नहीं देता है और मारता वहीं पे जाकर जहाँ मजदूरी करती है। फिर इसकी जो कल फोन आया था कल शाम को भी मारी थी ये मेरी बहन और भांजी दोनों। तो कल इसका फ़ोन आया था तो मैंने बोला था कि मैं कल आ जाऊंगा तो फिर सुबह फ़ोन किया था मैंने तो मैंने पूछा अभी कोई दिक्कत तो नहीं है यानी कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 मिनट रुक के इसका फ़ोन आया कि हमको मार दिया। फिर मैं नुकनी मेरी माँ और मैं नुकनी की बाइक पर निकले हम मौके पर ही पहुँच गए वहाँ पर जब वहाँ पर लड़ाई हो रही थी। हाँ नहीं हमसे नहीं रुके वो लोग क्योंकि वो ज़्यादा थे मैं अकेला था मेरी माँ थी तो उन्होंने लाठी और डंडों से खूब मारा था इन लोगों को। तो फिर उसके बाद में बेहोश हो गई वो लड़की। हाँ इसकी मृत्यु हो गई। हाँ ये भी बेहोश हो गई। हाँ फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन किया था अपने घर वालों को कि ऐसे ऐसे हो गया यहाँ पे। फिर मैं इनको गाड़ी में पटक कर लाया कोई वहाँ पे कोई भी मदद के लिए नहीं आया।
सभी ने यहाँ पे आकर डॉक्टर ने इसको मृत घोषित कर दिया। हाँ, कितने बच्चे हैं इसके? चार तो लड़के हैं, चार लड़के हैं। दो लड़की है, एक लड़की की शादी हो चुकी है। हाँ, एक क्या करते हैं लड़के? नहीं थे वहाँ पे लड़के, छोटे बच्चे लड़के हैं। हाँ, लड़की, एक लड़का है जो बाहर होटल पर रहता है। कौन सा काम है आपका? मेरा जिमरावट है। जिमरावट, और ये कहाँ से है? ये मेरी बहन है जिमरावट से, और ये नांगल में भी आई है। नांगल में शादी हुई है। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं जी, जिन्होंने इन पर अत्याचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और हाँ इंसाफ चाहिए। हाँ, थाने में शिकायत दी है, अभी कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये ऐसा है कि अपने गांव नांगल मुबारकपुर की लड़की है, 17-18 साल की करीब है जी। इसको हमने रेड हाउस में इन ऑलरेडी हमारे पास रुका गया, हम सूचना पे जीएच मांडीखेड़ा आए हैं, उसके बाद हमने इनकी 174 की कार्रवाई कर रहे हैं। ये 302 की दरखास्त दी थी, उसकी रोजनाम चमरपट लिख दिए, जैसे FSL पोस्टमार्टम बाद तस्दीक जैसी सूरत हुई कार्रवाई अमल में।